फखर बताएं कैसा लग रहा है जनू इस टाइम आपको अकेले दफ्तर में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस एक मसला हुआ है, हम बाइक पे आए हैं और ये देखे, और बाइक पे आना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इस वक्त हमारी हालत खस्ता है बाइक पे, बाकी नर दल का जो व्यू है इतना मजा आ रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। आई लव इट। लेकिन हमारा जन्म कुछ भी बन गया है, ये हमारे बाइकर्स ग्रुप इधर पहुंच गए सारे यहाँ के सफेद, और हम लोग तो काफी पहले आए थे लेकिन इनका इधर आके इंतजार कर रहे थे। हम तो चाय शाय भी फ्रेश हो गए, ये सारे इधर पीछे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं बाइकों पे। ये सारा हमारे बाइकर का ग्रुप है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जाते हैं मजीद आप लोगों के सामने स्नो पे जाते हैं जी। तो इस टाइम हम लोग नलतर में मौजूद हैं, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। ये स्नोबोर्ड है जो बर्फ़ के ऊपर चलाए जाते हैं। यहाँ जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, खुदा ना खास्ता इवेंट के दौरान कोई डैमेज वगैरह होता है तो ये स्नोबोर्ड के थ्रू जाते हैं, वहाँ से उनको रिसीव करके वापस लेके आते हैं। इसके पीछे जो अभी लगा हुआ था डब्बा, उसको उठाया गया, जिसके अंदर प्लेयर्स को रख के ले आते थे। आज तो इवेंट नहीं था, वैसे हम घूमने के लिए आए थे नलतर। तो ये स्कूडू भी आप लोगों को दिखाया, और हो सका थोड़ी देर बाद हम इसको चला के भी कोशिश करते हैं। तो अभी तक आइस जो स्की का जो ट्रैक था अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो हम आपको मज़ीद देखते हैं कब इवेंट शुरू होता है, यहाँ पूछते हैं। तो जी, तो अताब भाई बताएं यार, आपको कैसा लग रहा है नलतर में आके इस टाइम? जी बहुत मजे का मौसम है, हम इस टाइम क्या क्या कर रहे हैं? क्या मजा कर रहा है, क्या मजा कर रहे हैं? ठंड भी लग रहा है और बर्फबारी, यानी बर्फबारी तो यहाँ हो ही नहीं रही, किधर हो रही है? नजर नहीं, अभी होने वाली है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। ऊपर आसमान को जब देखोगे जरा पता चलेगा कि वैसे क्या है, आसमान ऊपर साफ है देखो। नहीं नहीं, अभी थोड़ी जब शाम को यहाँ पे बर्फबारी होगी और इस टाइम कंफर्म होगी, बहुत ठंड लग रही है। और फकर से पूछो, फकर आप बताओ यार। हमें इस वक्त बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे हम आए हुए हैं, चाहिए थोड़ी ठंड है लेकिन लाइफ में ऐसा एडवेंचर बंदे को करना चाहिए, मजा आता है, फन होता है, चिल होता है। आने के सही ये एक कौन ला आने के मैडम काम क्या है, हम लोग खा रहे हैं इस टाइम, और दोस्त वगैरह सारे अंदर आ गए इस टाइम। रोटी देखो यार, वाकई में बहुत मजे की है, बहुत जायके वाली वो बनी है कढ़ाई इस टाइम। मैं खुद भी एक दो लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो उसके बाद मजीद बता रहा हूँ कैसे बनी है, क्योंकि अभी चेक करते हैं और बताते हैं कैसी बनी है कढ़ाई। तो सर्दी ज्यादा होने की वजह से आपको भी ये लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं। प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया भाई, प्रोग्राम बढ़ गया। मेरे पास एक छोटा बच्चा है यहाँ, उसने जो स्की नीचे जो हम अमूमन खेलते हैं वो उसकी कोई गाड़ी उसने बनाई है देसी टाइप की। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाने के लिए बर्फ में इधर उधर, तो मैं भी बैठता हूँ, इंजॉय करते हैं किस तरह का यहाँ पे ट्रिप पे, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो मैं बैठ, तो इसने इस तरह बैठे जा रहे हैं इसके ऊपर, तो अभी मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और ये मुझे लेके जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मज़े का मुझे यहाँ लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, चलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम जो तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, मैं आगे तक गया था पीछे, तो वापस अभी मुड़ के यहाँ से जा रहा हूँ आगे की तरफ। ये सिर्फ 100 रुपये पे आपको काफ़ी वगैरह घुमाते हैं, जहाँ से आपको लेके आएंगे एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ से फिर वापस आपको जिस जगह से उन्होंने उठा के लाए उस जगह में ले जाके आपको वापस ये लोग ड्रॉप करेंगे। तो ये एडवेंचर में आता है, आप आते हैं तो इस तरह की एडवेंचर वाली चीज़ें आप यहाँ आके इन्जॉय करें, यहाँ विजिट करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी हॉलीडेज़ को आ जाएं और अपने बच्चों के साथ यहाँ के आप इन्जॉय करें। तो मैं भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ इस टाइम, इस छोटी सी जो देसी गाड़ी उन्होंने बनाई इसके ऊपर चल के, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो अब हम उतरते हैं, तो इनके जो बंदे हैं पैसे हम इनको देते हैं यहाँ, तो अभी इनको और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आए और जल्द से जल्द यहाँ पर आए, विजिट करें, बहुत मजा आ रहा है, ठंड बहुत है, अपना सामान पूरा करके आए, बहुत मजा आ रहा है। मैंने उनकी बाइक राइड भी ली है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत कैसे लगेगा, सर्दी है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सर्दी है लेकिन बहुत बहुत क्यूट है यहाँ पे, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बिहेवियर बहुत अच्छा है, यहाँ की मेहमान नवाजी
तो हमारे साथ कुछ फीमेल भी मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश कर। जी मैडम, आप लोगों को बताएं यहाँ नलतर में आके आप लोगों को कैसा लगा? बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा है। कराची से आए हम लोग, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत। हम बाशुबेली वगैरह सब के सबसे ज्यादा मजा हमको यहाँ नलतर में आ रहा है। अब कुछ लोग हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्दियों में घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहते हैं यार बर्फबारी है नहीं जाना चाहिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आए, यहाँ का विजिट करें, वहाँ से ज्यादा अच्छा व्यूज यहाँ पाकिस्तान में है हमारे यहाँ। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ के, आप लोग किस हद तक एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में? ठंड भी तो यहाँ ज्यादा है, हम लोग काफी देर से हैं यहाँ पर, ठंड तो है लेकिन एंजॉयमेंट के आगे ठंड कहाँ नजर आती है, सही बात है ना? बिल्कुल सही। तो जी हमारे साथ कुछ फीमेल्स थे यहाँ कराची से आए थे हमारे दोस्त टूरिस्ट, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, उनको भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को और यहाँ के वो लोग बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं गिलगित की तरफ, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा रश था यहाँ नलतर पे। तो मेरे वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो है टूरिस्ट हैं जहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनसे हम मिले। तो हमारी मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं और जो हमारे जो इस पाकिस्तान से, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोग वादिया नलतर आ जाएं, विजिट करें, ये भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये जगह, तो आप आके यहाँ एंजॉय कर सकते। मेरे साथ कुछ दोस्त जहाँ इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं आपको कैसा लग रहा है नलतर में आके, यहाँ का मौसम आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? मजे का मौसम कर रहे हैं आप लोगों को, कैसा लग रहा है यहाँ के नलतर में? नलतर में बहुत मजा आ रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आए अच्छा सा रोड बना है, ठीक है ना, आके यहाँ पे एंजॉय करें। आप बहुत बड़ी ग्लासेस पहने, इनका पहनने का क्या मतलब है सर इनका? क्योंकि यहाँ पे जो ना डार्कनेस नजर आ रहा है जब ये पहनते हैं, ठीक है। तो इसकी मेन वजह यह है कि हमें सब कुछ सफेद नजर आता है, जब हम धूप की तरफ देखते हैं तो उधर भी हमारे लिए आंखें जम जाती हैं, इसलिए ये ग्लव्स। तो आप बताएं भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ के एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में क्या? जी वासिद भाई बहुत मजा आया, हमने एंजॉय किया, हमने खाना खा के अभी थोड़ी देर पहले फारिग हो गए, अभी हम जो है ना घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो टूरिस्ट के लिए हम कह रहे हैं कि आ जाए, मजे का रूट बनाए, इंजॉय करे, ठीक है कि नहीं, बर्फबारी बाकी जो है ना हम निकलने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे ब्रदर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के विजिट करके? मैं आपको इतना बोलूंगा कि मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी है, बाकी ऐसा पूर्व भाषा ओनली ट्रिप अल्तरी सरकार। ओके तो आप, हमने काफी यहाँ जो दोस्त है इनसे भी जानने की मैंने कोशिश की, इनको सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के नलतर का जो मौसम है सबको। तो मैं खुद भी आया था, काफ़ी ठंड लगी हद से ज़्यादा, क्योंकि जारी बात है सबसे पहले अपनी सेफ्टी लाजमी होती है जब भी आप कहीं आते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी ठंड थी और हमारे पास जो बाइक था हम लेके आए थे, तो अब वापस हम लोग जाने की कर रहे हैं। हमारी सबसे ही दरख्वास्त है आप लोग अगर जब भी आते हैं कहीं घूमने के लिए, सबसे पहले आपकी सेफ्टी अपने साथ, अपने गर्म कपड़े और लॉन्ग शूज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। देख सकते इस ठंड में भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं इस जगह पर। अब हम लोग वापस यहाँ से जा रहे हैं बाइक वगैरह में, तो हमारे दोस्त हैं यहाँ से वो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ से, बड़ा एक जो सर्दी में भी एक बड़ा जो रश और फ्लू है लोगों का, वो इस तरफ आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को ये लोग जहाँ आके। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग आ जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, यहाँ के इस जगह को देखें, एंजॉय करें इस मौसम को। अभी हमारे दोस्त हैं, हम लोग बाइकर से वापस जा रहे हैं, हो गए ग्रुप वाले सारे दोस्त जो हमारे हैं यहाँ से कुछ आए वो भी जा रहे हैं उनके साथ, मेरे अपने जो दोस्त हैं सारे भी आ रहे होंगे, ये लोग जा रहे हैं सारे बाइकर जो भी इधर आए हुए हैं। और अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं गिलगित की तरफ। फकर बताएं किस हद तक एंजॉय किया बर्फ में आके, आपको कैसा लगा यहाँ का मौसम और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही लोगों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, बेशक यहाँ हम आए हमें ठंड भी लगी और थोड़ा हमने मेहनत भी की बाइक है, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ लोग आए लाइव में, ये मतलब एक ऐसी चीज करें कि बाद में आप सोचे कि यार इतना मजा आया था वहाँ पे हम गए। खैर अभी हमें थकावट भी हुई है, ठंड भी हुई है, लेकिन मजा इतना आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत तो कहना चाहूंगा इस तरह के मजीद वीडियोस और मेरी देखने के लिए यूट्यूब को मेरे जो चैनल है अब्दुल बासित जैस के साथ, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको मजीद ऐसी मजे मजे की वीडियो आपका भाई आप लोग के लेके